मैंने दीपू की भी टिक्की रूपाली की दावत करी थी यार। आ जाओ तुम मुद्दा बताओ। ओ अभी चलन देगी से चला कर आग लगा देगी। आजा अगर इतना आगरा नहीं ना सुबह तो देख ली ना आग लगा देंगी। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी ऊपर ही रखा देख ले आग तो लगी आग कहाँ से लगी ऊपर ही रखा चिराग हटा हटा देख हटा 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 हटा, 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 हटा अभी फेरूंगी चिमटा डूब गया आज किस्मत अच्छी थी तेरे रास्ते में आग लग गई वरना तो लगा देती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना सोर्स ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को एंड अदर्स फैमिली को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने हथियार उठाने के लिए। मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब मैंने मॉर्निंग वाला जो काम था मेरा हो चुका है और पूजा वगैरह हो गई है, बट अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि पहले, मतलब अभी मैंने पानी पिया है क्योंकि पानी पीने के बाद मैं उस टाइम का कैप करती हूँ, उसके बाद ही मैं कॉफ़ी चाय बाद में बनाती हूँ अपने लिए। तो अभी मैंने चढ़ा दी है दाल बनने के लिए कुकर में। आप लोगों को शायद थोड़ी वॉइस आ रही होगी। तो कुकर में दाल चढ़ा दी है मैंने, यानी कि मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि लंच बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, एक डेढ़ घंटा लग जाता है। और फिर मुझे वीडियोस बनानी होती है तो जल्दी जल्दी काम करना होता है, वरना मैं अदरवाइज फिर लेट हो जाती हूँ थोड़ा। तो मैंने अभी दाल चढ़ा दी है। फिर चावल मैंने भिगो के ऑलरेडी पहले से ही रख दिए हैं, क्योंकि चावल भिगो के बनाने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मैं चावल ज़्यादातर, तो मैं दाल के लिए काट लेती हूँ प्याज। और बहुत सारे काम होते हैं ना, कितने सारे काम होते हैं एक लेडी के लिए, बहुत सारे काम होते हैं। सो गाइस, प्याज मेरी कट चुकी है, अभी मैं काट रही हूँ टमाटर। और हाँ, एक बात तो बता दूँ मैं आप लोगों को पता ही होगा, पहले से मैं ही क्या बताऊँ, क्योंकि टमाटर अभी पहले से बहुत ज़्यादा सही रेट हो गया, मतलब थोड़ा सस्ता हो गया है। तो टमाटर डाल सकते हैं, पहले थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि टमाटर इतना महंगा है तो मतलब हिसाब से डालना पड़ रहा था ना, वैसा कुछ नहीं है। जब डालना होता है सब्जी में तो टमाटर तो डलेगा ही जहाँ जो डालना होता है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा भी ये है कि इतना डर नहीं है कि और टमाटर इतना महंगा हो चुका है तो थोड़ा ही कम डालना होता था पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, टमाटर आप डाल सकते हो। कभी कभी हो जाता है टमाटर प्याज के रेट बहुत ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगी रील्स और दाल मखनी। मैं अभी जा रही हूँ दाल मखनी बनाने, और मेरे चावल वगैरह आप लोगों को मैंने दिखाया है कि भीगे रखे हैं, तो उसके बाद मैं लास्ट में बनाऊँगी चावल, उसके बाद बनाते हैं रील्स। और रील्स जो भी आएंगी अच्छी अच्छी आप प्लीज़ लाइक कर देना। और मैंने मीनाक्षी को कॉल की है, देखते हैं आज का शाम का, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि कुछ टाइम से हम ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, फिर लेट होने के बाद मैं और मेरा खाना हो जाता है थोड़ा सा लेट। अगर आग ना लगी ना सुबह में, और अगर आग नहीं लगी फिर बता दूंगी तुझे। जीरन आगे जैसे लिपटते गया कुछ छोकने के लिए, आज रात आज आग ही लगेगी रात में, आज आग लगनी चाहिए। फिर जीरा ना, और जीरा ले उधर, रसोई में आग लग जाए, रसोई में आग मत लगा है तू, रात में आग लगा। आज सुबह का रायता देखेंगे भैया कैसा छोक गया, काम जो और है अभी से और डाल दे उसके पौधे पौधे नहीं मैंने दीपू की भी टिक्की रूपाली की दावत करी थी यार। आ जाओ तुम मुद्दा बताओ। अभी चलन देगी से चला कर आग लगा देगी।
किस्मत अच्छी थी तेरा नाच में आग लग गई वरना तो लगा देती। सो गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी अपनी वीडियोस के लिए। तो आज मैंने पहनी है चूड़ियाँ और मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आज पहले। आज हमारी मैम थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि वो कहीं बाहर गई थी, मतलब मार्केट वगैरह गई हुई है और धूप हो रखी है बहुत तेज। लेकिन हाँ ये है कि धूप के साथ साथ हवा भी अच्छी चलती है, मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही है पर धूप है तो हाँ थोड़ी तो है क्योंकि नीचे से आई हूँ मैं एकदम, तो गर्म लग रहा है। तो आज की जो रील बनाने वाली हूँ तो आप देखिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। तो मैम का कर रही हूँ वेट, मैं एक दो रील्स भी बना लेती हूँ और इंस्टा आईडी में आज डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, आप इंस्टा पे भी वीडियोस देख सकते हो मेरी। सो गाइस हमने बना चुके हैं रील और आज हमने 10-10 रील्स बनाई हैं, तो जाएं वहाँ पे देखें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करें और बताना कैसी बनी है रील। और हमने सेम साड़ी पहनी है दोनों ने, येलो 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 का कॉम्बिनेशन आज अचानक से बन गया, मतलब पता नहीं था मैंने येलो पहना तो मीनाक्षी अपने आप पहन के आ गई। ऐसा ही होता है, हम दोनों फ़ोन पे नहीं करते कि हाँ आज येलो पहनना है रेड पहनना, बस कभी कभी कॉम्बिनेशन मिल जाता है और रील हमारी बन चुकी है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है रील बनाते बनाते। सो अब मीनाक्षी जा रही हैं घर, बना चुके हैं हम रील और अब करते हैं बाकी का काम क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी। देखते हैं चाय नाश्ता, अभी चाय नाश्ता भी नहीं किया मैंने और मीनाक्षी